नए गेहूं की आवक होने से गेहूं के दामों में गिरावट आ गई है। खरगोन अनाज मंडी में शुक्रवार को करीब 225 वाहनों से गेहूं की आवक हुई, जबकि चना 800 बोरी आवक हुई। नई फसल आते ही गेहूं के दाम करीब 568 रुपए प्रति क्विंटल गिरे, 20 दिन पहले रिकॉर्ड 2190 रुपए थे। व्यापारी राकेश जैन के मुताबिक गेहूं 2150 से 2375 रुपए के भाव बिका, जबकि चना 4800 रुपए खरीदा जा रहा है। दोनों उपज में फिलहाल नमी है, हालांकि समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने पर दामों में फर्क आ सकता है। आवक बढ़ने पर गिरावट का रुख रहेगा और गेहूं समर्थन मूल्य के भाव के आसपास बिक सकता है। मंडी का रुख व पंजीयन की स्थिति देख किसानों का रुझान इस साल भी सरकार को गेहूं बेचने के प्रति कम दिख रहा है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। क्या सर्दी से कहीं नहीं है, क्यों, क्या कारण क्या है? कारण के मजदूर महंगा है, दवाई महंगी है, खाद महंगा है। क्या भाव मिलना चाहिए आप? कम से कम 3000 का गेहूं बिकना चाहिए। अभी क्या भाव मिल रहा है आपको? अभी क्या भाव मिल? अभी तो नीलामी हुआ। भाव क्या चल रहा है अभी? 2000। क्या नाम है आपका? श्याम राठौर। अभी आज के फिलहाल में 225 से 30 मान गेहूँ की आवक है, उसके अंदर समर्थन मूल्य से ऊपर दिख रहा है। अभी 2150 से लेके 2350-75 रुपए तक गेहूँ आने का। और इसके अलावा अभी मुझे मक्का वगैरह भी आ रही है। 3000 रुपये गेहूँ बिक रहा था, अचानक भाव गिर गया, क्या कर रहे हैं? इसका कारण क्या है कि एक तो गवर्नमेंट द्वारा जो टेंडर निकाले गए थे, पुराना मान जो गवर्नमेंट ने बिलों को दिया हुआ है, उसके अंदर में से बाजार के ऊपर दबाव आया था, उस कारण से बाजार डाउन हुए। और आगे भी क्या है कि आवक का प्रेशर सब दूर सभी मंडियों में होता है, जो आधा से बाजार माइनस जा रहा है। आवक को देख के ये लगता है समर्थन मूल्य पे माल के आसपास में मंडियां बिकती रहेगी, 2000 से लेकर 2150 तक। अब भाव बढ़ने का आसार नहीं? भाव आज में टाइम पे तेजी मंदी के हिसाब से एक्सपोर्ट के ऊपर जैसा भी हो जाए। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।